हेलो हाय, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि अच्छे होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। करते हैं आज के खूबसूरत से ब्लॉग की खूबसूरत सी शुरुआत। जी हाँ साथियों, यहाँ पर जगह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी और मैंने आपको बताया कि हमारा काम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रखा है, क्योंकि कई बार मैंने आपको वीडियो में बताया था और FB में, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतों के बीच और यहाँ पर जगह भी बिल्कुल नहीं है। तो हमने आगे से, आप देख सकते हैं नीचे ब्रश पॉल देके यहाँ पर थोड़ी सी जगह बना रहे थे। और क्या क्या काम कर रहे हैं आज मैं दिखाती हूँ। अंदर बिल्कुल जगह तो नहीं है, फिर भी हम यहाँ पर कार्य रेगुलर हो रहा है तो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं बैक कैमरे के माध्यम से आपको दिखाती हूँ किस तरह से यहाँ पर काम हो रहा है। और यहाँ पर पूरा घर से डल रहा है और नीचे से ब्रश पॉल देके इस तरह से आज जाल तैयार किया जा रहा है। और तो मैं दिखाती हूँ आपको किस तरह से हम प्रोसेसिंग का कार्य कर रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। पहले हम यहाँ पर खुले में जैम बनाते थे तिरपाल डाल के, तो फिर हमने बाद में यहाँ पर लेंटर कर दिया थोड़ा सा काम करने की सुविधा के लिए। फिर भी हमारे पास बिल्कुल भी जगह नहीं हो पा रही है। और यहाँ पर हमारा बन रहा है एप्पल जैम, ये है जेमा, और यहाँ पर एप्पल जैम बन रहा है। और यहाँ पर छोटी सी जगह पर बहुत सारी परेशानियों के बीच हम काम करते हैं। यहाँ पर छोटा सा किचन, जो किचन की जगह भी नहीं है। और यहाँ पर हमने बना रखा है कल पुलम जैम, आज कैपिंग होने के बाद हमने इसमें लगकर करेंगे लेवलिंग। ये है पुलम चटनी। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ये है पुलम जैम और वो पुलम चटनी, और ये है एप्पल जैम। और यहाँ पे एप्पल चटनी, कुछ में लेबलिंग होगी है और कुछ में लेबलिंग होनी बाकी है। ये है ब्रास चटनी। एप्पल जैम तैयार होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, फिर हम इसके बाद करेंगे एप्पल चटनी की तैयारी। यह है जैम और इसमें पल्प, शुगर और ड्राई फ्रूट्स पड़ चुके हैं, अभी इसको बनने में टाइम लगेगा। अब हमने एप्पल जैम तैयार करके अंदर बोटलिंग कर ली, तो अब हम बना रहे हैं यहाँ पर एप्पल चटनी। तो मैं दिखाती हूँ किस तरह से यहाँ पर प्रोसेसिंग की जा रही है। अब हमने एप्पल जैम कैप बोटलिंग कर ली है, तो अब हम बना रहे हैं एप्पल चटनी। और एप्पल चटनी किस तरह से बन रही है और दिखाती हूँ अंदर हमने किस तरह से एप्पल जैम की पैकिंग की। सबसे पहले मैं यहाँ पे बन रहा है एप्पल चटनी, तो मैं आपको दिखाती हूँ एप्पल चटनी। यहाँ पे अब बना रहे हैं एप्पल चटनी, इसमें मसाले और ड्राई फ्रूट्स, शुगर, पर्प, जो भी डालना है सारी चीजें हमने डाल दी। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखा नहीं पाई और वीडियो में कवर नहीं कर पाई, तो मैं आपको दिखाती हूँ ये हमारी पैकेजिंग के लिए जार। और ये हमने तैयार कर ली एप्पल जैम, ये तैयार हो गया। और ये है 1200 ग्राम में, और ये है हमारी 250 ग्राम की पूरी पैकिंग एप्पल जैम। और ये जो ब्रास, इस साइड पहले हमने ब्रास जैम रखा था और ये था हमारा ब्रास चटनी। और ये है हमारी पुलम जैम और अंदर लेबलिंग हो रही है। तरफ हमने एप्पल जैम रख दिया और यहाँ पे बन गई हमारी एप्पल चटनी। और यहाँ पे लाइट नहीं है तो अंधेरा दिख रहा है। अब इन पे हम कर देंगे पूरे
न्यूज़पेपर रख लेंगे, अखबार कुछ चीज से ढक देंगे। और बाहर दिखाती हूँ, 7:30 हो गया और हमने यहाँ पे मैन्युअली वर्क होता है तो इतनी गंदगी हो जाती है, पूरा भगोनों से इतने तेज आंच में बनाना होता है तो सब इतना साफ करना है और हमें रात हो जाएगी। और बाहर हमारा बहुत सारा काम अभी फैला हुआ है, ये सारे भगोने बर्तन सारे अंदर करने हैं और फिर उसके बाद अन्य काम घर के। इसी के साथ वीडियो समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको हमारी छोटी सी एक्टिविटीज पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगले नए वीडियो में नई एक्टिविटीज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।